राधा का हॉस्पिटल में जाने के बाद भी दामिनी नहीं छोड़ रही है पीछा। दामिनी चाहती है कि अभी भी राधा की जान चली जाए। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे राधा को जब खून की उल्टियाँ लगती है, तब सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि राधा की बात माननी चाहिए थी। मोहन तुरंत राधा को हॉस्पिटल लेकर भागता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद राधा की हालत डॉक्टर सीरियस बताते हैं। वही दामिनी मौके का फायदा देख कर मोहन को झूठा दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन गुनगुनाकर दामिनी को धक्का मार देती है। साथ ही एक एक करके वो सबकी क्लास भी लेती है। मोहन को तो यहाँ तक कह देती है, अगर राधा को कुछ भी हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें मोहन जो भी प्यार करता है उसकी जान नहीं बच पाती। गुनगुन की बातें सभी को बहुत हर्ट करती है। इतना कहकर गुनगुन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दामिनी मोहन के सामने ये प्रूफ करने की कोशिश करते है कि उसने गुनाह नहीं किया। लेकिन मोहन दामिनी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि राधा ने कहा था कि तुम वहाँ किचन में थी और साथ ही उस पॉइजन सीसी का ढक्कन भी मिला था। साथ ही मोहन ये भी कहता है कि दामिनी तुमने इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की होगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। साथ ही मोहन गुस्से में ये भी कहता है कि मेरी राधा। इस पर दामिनी मोहन के सारे शब्दों को भूलकर मेरी राधा के ऊपर ध्यान देती है। दामिनी की माँ कावेरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब यहाँ से भाग चलते हैं। दामिनी ने राधा को पूरी तरह से मारने का सोचा हुआ है। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखना ये होगा कि क्या इस बार दामिनी के राज से पर्दा उठ पाएगा या फिर दामिनी की चाल फिर से इस राज को दबा कर रख देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।